अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस सर्वे में पहले नंबर पर हैं। अगर वो ये कहे कि डिवाइडर इन चीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि तोड़ने वाले मुखिया। टाइम मैगजीन इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसके ऊपर हम यहाँ अपना समय बर्बाद करें या भारत जैसा विशाल देश उसके बारे में डिस्कस करें। टाइम मैगजीन ने यूपी सरकार के काम की सराहना की है। योगी सरकार के कार्यों पर टाइम में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। आपकी भी दिक्कत यही है, ये बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते, यही दिक्कत आपकी भी है। हमारे मीडिया के बड़े हिस्से का भाजपा सरकार के प्रति झुकाव साफ देखने को मिलता आ रहा है। किसी भी मुद्दे पर मीडिया सरकार की तारीफ करने से पीछे नहीं हटता। जब चंद्रयान लॉन्च हुआ तब मीडिया ने इसका क्रेडिट भी मोदी को ही दिया था। इसके अलावा जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के करीब थी, इसका क्रेडिट भी मीडिया ने मोदी को ही दे दिया। अब जब वैक्सीन आई है तो इसका क्रेडिट भी मोदी को ही दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का रैंक ग्लोबल लीडर्स में पहला आया है और अब मीडिया मोदी की तारीफ करने में जुट गया है। ग्लोबल रेटिंग्स बड़े बड़े नेताओं की आई हैं, जिसमें उसके मुताबिक इस समय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनकी रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग कोरोना संक्रमण के बाद भी दुनिया में नंबर वन है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9वें नंबर पर आ गए। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस सर्वे में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर 29 रेटिंग पॉइंट्स के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस लोपेज हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी से 1, 2, 5, 10 नहीं पूरे 26 अंक पीछे हैं। आप इन सभी नेताओं को देखें तो इन सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद सबसे ऊंचा नजर आ रहा है और इस पूरे साल प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग औसतन 50 रेटिंग पॉइंट्स के आसपास रही है और दुनिया का कोई भी नेता उनके करीब नहीं पहुंच पाया है। ये पूरी दुनिया हमारे देश को कैसे देख रही है, हमारे देश की सरकार का जो रिस्पॉन्स था कोरोना वायरस को लेकर उसे कैसे देख रही है। मीडिया सरकार के नेताओं से सवाल नहीं करता, ना ही उनकी आलोचना सुन सकता है। मीडिया डिबेट में भी अक्सर जब विपक्ष के नेता सरकार की आलोचना करने लगते हैं तभी मीडिया एंकर उन्हें बीच में टोकने लगते हैं, जिस कारण उन्हें भी यही कहना पड़ता है कि आप सरकार की आलोचना नहीं सुन सकते। अभी जो हाल ही में वहां पर चुनाव संपन्न हुए, उपचुनाव में आपको 2% वोट मिला है, आपके कितने 403 विधानसभा में आपके 7 विधायक हैं और आप गिना रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कैसे बने। सारी नजर आपकी बीजेपी पर है, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी भी दिक्कत यही है, ये बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते, यही दिक्कत आपकी भी है। निंदा लोकतंत्र है, निंदाएं सबकी होती रहती, हमारी भी होती है, हम सुनने को तैयार है। बात दरअसल में ये है कि अभी आप मध्य प्रदेश और कर्नाटक गिना रहे थे, वहाँ लूट करके सरकारें नहीं बनाई गई। चाहिए कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपको घोषित कर दिया जाए, सबसे ज्यादा पॉपुलर कांग्रेस में आप ही हैं वहाँ पर। हमारी चिंता मत करिए, हम राजनीतिक दल हैं, हम सत्ता के लिए ईमान धर्म नहीं बेचते हैं, ये जान लीजिए। हाँ बना रहे हैं, अरे मुद्दा तो ये होना चाहिए कि 3 से 13 हो पाएगी कि नहीं बीजेपी बंगाल में, लेकिन 3 सीटें पाई है। आपको गाना है, आपको बताना है कि वहाँ सरकार आ रही है, हमको गाना है, ठीक है। हाल ही में टाइम मैगजीन में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और कोरोना के बारे में कुछ छपने को लेकर मीडिया में एक खुशी की लहर देखने को मिली। मोदी की तारीफ करते तो आप मीडिया को देखते ही रहते हैं, अब योगी की तारीफ भी देख लीजिए। खबर यह है कि टाइम मैगजीन में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा हुई है। कोरोना नियंत्रण पर योगी की कोशिशों को सराहा गया है, प्रशंसा की गई है। टाइम मैगजीन ने यूपी सरकार के काम की सराहना की है। योगी सरकार के कार्यों पर टाइम ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर चुका है योगी आदित्यनाथ की तारीफ। टाइम मैगजीन में सीएम योगी की तारीफ हुई है। कोरोना नियंत्रण के लिए योगी की जमकर तारीफ की गई है। सीएम योगी के नेतृत्व की सराहना हुई है। कोरोना से निपटने में यूपी सरकार की तारीफ की गई है। टाइम मैगजीन में योगी सरकार पर बाकायदा लेख छपा है। लेख में सीएम योगी की जमकर तारीफ हुई है। इस कोरोना काल में प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए सीएम योगी की जमकर तारीफ की गई है टाइम मैगजीन में। बड़ी खबर यह कि टाइम मैगजीन में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कामों को सराहा गया। कोरोना नियंत्रण पर योगी की कोशिशों को सराहा है टाइम मैगजीन ने। यूपी सरकार के काम की सराहना की। योगी सरकार के कार्यों पर टाइम में विशेष रिपोर्ट उनकी सराहना करते हुए छापी गई। जिस टाइम मैगजीन को गोदी मीडिया अब तक सही नहीं समझता था, उसी की एकदम से तारीफ करने लगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। जब टाइम मैगजीन ने मोदी को डिवाइडर इन चीफ कहा था तो मीडिया ने टाइम की कितनी आलोचना की थी, देखिए। और अब अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने आखिरी 2 चरणों के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी पर एक विवादित लेख लिखा है।
टाइम के कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी का एक स्केच प्रकाशित किया गया है और उसका शीर्षक दिया गया है इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। हिंदी में इसका मतलब है भारत का प्रमुख विभाजनकारी। और एजेंडा क्या है अभी आपको बताता हूं। टाइम मैगजीन के कवर को ध्यान से देखने पर आपको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का पूरा एजेंडा और प्रोपेगेंडा आज समझ में आएगा। टाइम मैगजीन के संपादकों ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाने वाले लेख के शीर्षक को अपने कवर पेज पर मोटे अक्षरों के साथ ज्यादा प्रभावी तरीके से प्रकाशित किया है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, मोदी पर आरोपों वाला शीर्षक तो बहुत आसानी से बड़े बड़े फॉन्ट में दिख जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के कामकाज की समीक्षा वाले शीर्षक को देखने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। विदेशी मैगजीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए तो ये कांग्रेस के लिए सियासी हथियार बन जाए। अगर वो ये कहे कि डिवाइडर इन चीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यानी कि तोड़ने वाले मुखिया चीफ, इस देश को तोड़ कर रख दिया है मोदी ने, ये लाइन कुछ इसी तरीके से बयां कर रही है टाइम्स मैगजीन। इसके अलावा शाहीन बाग की एक बुजुर्ग महिला को टाइम ने अपनी मैगजीन में जगह दी थी, तब भी यही मीडिया टाइम की काफी आलोचना कर रहा था। अमेरिका के टाइम मैगजीन ने आज दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट प्रकाशित की है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। लेकिन इसमें एक और हैरानी है, और वो हैरानी इसलिए है कि इसमें शाहीन बाग में गैर कानूनी धरने पर बैठने वाली बिल्किस बानो का नाम भी शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन ने बिल्किस बानो का नाम क्यों शामिल किया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लिखा गया है। हमारे पास दो विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि हम इस पूरी खबर को नजरअंदाज कर दें। टाइम मैगजीन इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसके ऊपर हम यहां अपना समय बर्बाद करें या भारत जैसा विशाल देश उसके बारे में डिस्कस करें। हमने बहुत सोचा, पहले हमें ये लगा इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। ये तो बात थी कि मीडिया कितनी जल्दी रंग बदल लेता है। इसके अलावा मीडिया खबर को बिना चेक किए ही चलाने भी लगता है। मीडिया ने टाइम मैगजीन द्वारा योगी की तारीफ करने का दावा किया था, लेकिन वह सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट थी जो हमें अक्सर अपनी भी अखबारों में देखने को मिल जाती है। इसका फैक्ट चेक न्यूज 18 ने भी अपनी वेबसाइट पे डाला बाद में। मीडिया आजकल खबर बिना फैक्ट चेक किए ही प्रकाशित करने लग गया है, लेकिन हम मीडिया से उम्मीद करते हैं कि वे सही खबर जनता तक पहुंचाए और सरकार की गलत नीतियों पर आलोचना भी करें। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.